ओम नमो आदेश गुरु जी को, सभी दर्शकों को जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, आप ये वीडियो YouTube पर पंडित नरेशनाथ वीडियोस चैनल में देख रहे हैं। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसी ही चमत्कारी ऋषि मुनियों की सिद्ध की हुई साधनाएं तथा साधकों द्वारा प्रदान की गई अनुभूत साधनाएं हम आपको समय समय पर प्रदान करते रहते हैं। साधनाओं के साथ हम आपको ज्योतिष, वास्तु शास्त्र के सुखद उपाय तथा जीवन को सफल बनाने वाले टोटके आपको समय समय पर इस चैनल से प्राप्त होते रहेंगे। मित्रों, आपके लिए एक खुशखबरी है कि यदि आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज शिव वैदिक ज्योतिष तंत्र मंत्र विज्ञान के द्वारा भी हमारी वीडियो को देख सकते हो। आप हमारे फेसबुक पेज शिव वैदिक ज्योतिष तंत्र मंत्र विज्ञान को फॉलो कर हमारे वीडियो वहाँ भी प्राप्त कर सकते हो और उनसे लाभ उठा सकते हो। YouTube पर आप हमारे वीडियो पंडित नरेशनाथ जी के नाम से सर्च कर प्राप्त कर सकते हो। मित्रों, आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको ह्रेम साधना बता रहे हैं। मित्रों, ये साधना ऋषि परंपरा के अंतर्गत हमें प्राप्त हुई है। मित्रों, हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने कभी झुकना सीखा नहीं, जो कभी लकीर के फकीर नहीं बने, जिनका पूरा जीवन खोज और संघर्ष में ही रहा, जिन्होंने अपने खोज से उस समय ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का आकार, ग्रहों की दूरी का माप कर लिया था, जिस समय साइंस या विज्ञान का नाम चंद लोग ही जानते थे, और उस समय इतने साधन भी नहीं थे जितने आज हमारे वैज्ञानिकों के पास हैं। पूरी स्टिक जानकारी हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में ग्रहों के बारे में पहले ही लिख दी है, और ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां शास्त्रों में लिखी हुई हैं जो आज घटित हो रही हैं, जो वैज्ञानिकों को भी दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित किया हुआ था। उन्होंने अपनी प्रयोगशालाओं में ऐसे प्रयोग किए जो आज भी वैज्ञानिकों की पहुंच से बाहर है। मित्रों, अधिक विस्तार में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शुरू करते हैं साधना प्रयोग विधि। मित्रों, 5 दिनों की इस तीव्र साधना में साधक तभी प्रवृत्त हो जब वह मानसिक वाशरिक रूप से दृढ़ हो, उसके शरीर में कोई कमजोरी ना हो, पूर्णता चैतन्य हो। साधक नंबर 1, साधक प्रातः 7 बजे के आसपास अपने साधना कक्ष में बैठे, जो पहले से ही साफ सुथरा किया गया हो। नंबर 2, पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने और पीले रंग के आसन पर बैठ ब्रह्मांड के तेजस्वी देव भगवान सूर्य का स्मरण कर उन्हें अर्घ्य देकर जो आपके अपने स्थान पर बैठे ही बैठे दे सकते हैं ध्यान के द्वारा। नंबर 3, भावना रखें कि भगवान सूर्य अपनी पूर्ण तेजस्वी किरणों के साथ आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। नंबर 4, अपने सामने एक लकड़ी का बजोट लगाएं, उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर गणेश जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित करें।
बजोड़ पर एक थाली रखें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। नंबर 5, थाली में खल्ली से रखे हुए कुछ अखंड चावल बिखेर दें और उसके मध्य में कुमकुम से अष्ट की अर्थात कुमकुम से रंगे हुए चावलों की ढेरी लगाएं। अब इस ढेरी पर सर्वजन वशीकरण यंत्र स्थापित कर दें। इस यंत्र को पंचोपचार पूजन करने के उपरांत पंच अमृत से स्नान कराएं। नंबर 6, घी का दीपक प्रज्वलित करें और धूप दीप करें। नंबर 7, अब मंत्र बोलते हुए 7 मूंगे के टुकड़े भी यंत्र पर स्थापित करें। इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से इस छोटे से मंत्र का 11 माला जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रोम ह्रेम ह्रोम फट। मित्रों मंत्र फिर सुन लीजिए, छोटा सा ही मंत्र है, 11 वाला जाप करना है। ओम ह्रोम ह्रेम ह्रोम फट। इस मंत्र का आपको 11 माला रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। माला चैतन्य होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। मंत्र जाप के पश्चात सामग्री यूं ही रहने दें और दूसरे दिन फिर ठीक उसी समय पर जाप करें। इस प्रकार 10 दिन तक ये जाप करें और ये जाप आप किसी भी माह की गणेश चतुर्दशी से शुरू कर 10 दिन तक करें। 10वें दिन साधना समाप्ति पर समस्त सामग्री एक कपड़े में लपेट कर कहीं दूर किसी सुनसान जगह में नदी के किनारे गड्ढा खोलकर दबा दें। इस साधना के संपन्न होकर होते ही आप में हिडम्बन देव रेम देव की कृपा से अद्भुत तेज का समावेश हो जाएगा। लोग आपकी बात मानने लग जाएंगे, आपके प्रत्येक कार्य बनते चले जाएंगे। जो आपके दुश्मन थे, जो कभी आपको आंखें दिखाते थे, आपको डराते थे, वह भी आपके साथ विनम्रता से पेश आने लगेंगे। इस साधना के उपरांत व्यक्ति के अंदर एक तेज पुंज समाहित हो जाता है और वह धीरे धीरे उसकी वाणी के माध्यम से, उसके चेहरे की गठन के माध्यम से और संपूर्ण शरीर में झलकने लगता है लग जाता है। सम्मोहन तो केवल एक विद्या है सामने वाले को प्रभावित करने की, जबकि ये तो विशिष्ट रूप से रचा गया ऐसा प्रयोग है कि साधक बिना कुछ कहे ही सामने वाले को अपने वश में बांध लेता है। तब आप खुद ही सोचिए कि जिस व्यक्ति के शरीर में ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है, उसके लिए किसी से अपना मनोचित कार्य संपन्न करवाना बाएं हाथ का खेल ही लगेगा। मित्रों ये छोटी सी साधना आपकी सोच आपका जीवन बदल सकता है। मित्रों यदि आपको हेमन हरेम की ये साधना अच्छी लगी हो, आपको लगे कि हाँ कि इसमें कुछ है, तो मित्रों एक बार इसे संपन्न कर देख लें और यदि आपका हृदय गवाही दे कि ये साधना सच्ची है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मित्रों साधना के संबंध में यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें सुबह 10 से 12 बजे के बीच में फ़ोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अतिरिक्त आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो।
अपने तंत्र मंत्र की समस्याओं के समाधान के लिए, ज्योतिष व वास्तुशास्त्र की जानकारी के लिए आप हमें सुबह 10 से 12 बजे के बीच में ही कॉल करें। मित्रों, समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसके उपरांत दैनिक कार्यों के कारण हम कई बार फोन उठाने में असमर्थ होते हैं, तो आपके मन में बुरे भाव बुरे विचार आते हैं। इसलिए मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप 10 से 12 बजे के बीच में ही कॉल करें सुबह। तो मित्रों, आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, भगवती महाकाली आप सबका मंगल करें।